गेमिंग के लिए यूज कर लो, ऑफिस के लिए यूज कर लो, ग्राफिक्स के लिए यूज कर लो, कि भाई ग्राफिक डिजाइनर हो या इंटीरियर डिजाइनर कुछ भी हो, तो ये अपने पास है ग्राफिक्स कार्ड। जो भी वीडियो के स्क्रीनशॉट लेके आएंगे उसको सबसे बेस्ट चीज मिलेगी, वो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है तो चेक कर सकते हो। उसके बाद भी कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे हैं, वो हम तो सिर्फ पूछ लीजिए भाई। लास्ट में रिवील करने वाले हैं कि आपको क्या मिलेगा, सब्सक्राइबर के लिए क्या फ्री है। तो मुस्तफा भाई, सबसे चीपेस्ट लैपटॉप कौन सा अपने पास? तो कदर भाई, अपने पास सबसे चीपेस्ट लैपटॉप है लिनोवो आइडियापैड 1, सेलेरॉन प्रोसेसर है, 4GB रैम है, 128GB SSD है। तो भाई बेसिक यूज है आपका, स्टूडेंट है या कुछ भी, एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट आप यूज कर सकते हो, ओनली 799। ओके मुस्तफा भाई, उसके बाद आप क्या बता रहे हो? उसके बाद अपने पास आ जाएगा Asus का है i3 10th generation, 4GB रैम है, 256GB और 14-inch डिस्प्ले है। उसका प्राइस अपन आ जाएगा 1450 में। 1450 जी, क्या बात है भाई। सो कादर भाई, दूसरा अपने पास HP में भी है, HP में i3 11th generation है ये, 8GB 256GB और बढ़िया बात क्या है मालूम है, ये आपको आ जाएगा 1550 में। 1550 भाई, 15.6 inch है, तो भाई ऑफिस यूज के लिए भी ये बेस्ट है कि न्यूमेरिक कीबोर्ड आपको मिल जाता है, अकाउंट के लिए हो या प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, कुछ भी ऑफिशियल यूज के लिए अच्छा लैपटॉप है। बेसिक यूज में 1550 में है भाई, तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये। ओके, तो लिनोवो का भी अपने पास है, लिनोवो राइजन 7, 8GB रैम है, 512GB हो, और तो प्राइस आपको आ जाएगा 1999 ओनली। 14 inch है, एकदम स्लिम है और कॉम्पैक्ट है भाई। तो भाई दूसरा अपने पास ये है HP का 15S Ryzen 7 के साथ 8GB 512GB, जो कि आपको मिल जाएगा सिर्फ 2000 दिरहम। 512GB कितने में? 512GB ओनली 2000 मुस्तफा भाई। 512GB ओनली 2000 में। तो मुस्तफा भाई, गेमिंग की बात करते हैं यार, गेमिंग के लिए क्या है अपने पास? i5 10th generation 8GB रैम है, 512GB हो, और बेनिफिट भाई 2GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ है। प्राइस जानना चाहोगे क्या होगा भाई? प्राइस क्या है भाई? भाई प्राइस मिल जाएगा आपको ओनली 2150। बताओ भाई, 2150 में विद ग्राफिक्स कार्ड? विद ग्राफिक्स कार्ड। HP में 3145 i7 है, 16GB है, 512GB है और 15.6 है, सबसे बेस्ट लैपटॉप अभी है अपने पास। वो प्राइस भी अपने पास सबसे बढ़िया है, 16GB रैम है। मुस्तफा भाई, प्राइस थोड़ी हाई होगी यार? नहीं भाई, प्राइस भी अपन के नीचे ही है। तो मुस्तफा भाई, प्राइस भी इसकी यार थोड़ी, 16GB रैम है तो इसके हिसाब से प्राइस भी थोड़ी हाई होगी। नहीं भाई, वैसा नॉर्मली रहता है कि भाई, तो ये आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा 2700 में। 2700 में i7 है भाई, क्या बात है। i7 16GB भाई। मुस्तफा भाई, फ्लेक्स सीरीज में क्या अपने पास, जो 360 जैसे घूमता है ना वो पूरा? तो भाई अपने पास ये रहा लिनोवो फ्लेक्स 360 है। क्या कर रहे हो मुस्तफा भाई, टूट जाएगा एक? नहीं भाई नहीं, ये तो हो जाएगा अपना टेबलेट बन गया भाई। भाई साहब देख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, बहुत अच्छा। i5 8GB 256GB प्राइस, और भी टच है भाई, प्राइस बाद में बात करते हैं, विद टच के साथ है। तो अच्छा, भाई आपको यूज करना है लैपटॉप का, लैपटॉप भी है और आईपैड का, आईपैड भी हो जाएगा, पूरा घूम जाता है वो 360 पूरा घूम। और प्राइस कितने का है भाई? क्या प्राइस आप बताओ यार? 2500 में। 2500 में फोल्डिंग? फोल्डिंग वाला, i5 वाला। और तो क्या चाहिए भाई, 2500 में 360 लैपटॉप विथ फिंगरप्रिंट। विथ फिंगरप्रिंट, हाँ भाई। तो गेमिंग की बात कर लेते, सबसे भाई गेमिंग की दुनिया में सबसे फेमस लैपटॉप है Asus सीरीज का। तो Asus सीरीज में आ जाएगा 8GB 512GB SSD के साथ, आपको आ जाएगा 4GB ग्राफिक्स कार्ड, तो बैकलाइट के साथ है, और प्राइस आपको आ जाएगा, प्राइस का बिलीव नहीं करोगे बट भाई कितना है भाई प्राइस मुस्तफा भाई, जल्दी बताइए। तो 2150 में आपको आ जाएगा विद ग्राफिक्स कार्ड, 2150 विद 4GB ग्राफिक्स। HP के बारे में जानना है, HP में क्या चीज है गेमिंग में अपने पास, तो थोड़ा बताइए यार। तो गेमिंग में HP में उन लोगों ने सीरीज निकाला है विक्टर सीरीज, जो स्पेशली गेमिंग के लिए, गेमिंग और डिजाइनिंग के लिए आपके सामने रखा हुआ है भाई, कि इंटेल i5 12th जनरेशन है, जो सबसे लेटेस्ट वाला है 12th जनरेशन, हाँ, और 8GB 512GB है, और आप ग्राफिक्स का देख सकते हो कि भाई 4GB ग्राफिक्स, विंडोज 11 होम के साथ है, और लाइट वेट है। नॉर्मली रहता है कि गेमिंग सीरीज आप लेते हो तो थोड़ा वेट हैवी हो जाता है, ये थोड़ा लाइट वेट है भाई। काफी बढ़िया लैपटॉप बनाया, क्या प्राइस है इसका? प्राइस बता दे। तो प्राइस आपको आ जाएगा 2450 में। 2450 भाई, HP Victus 2450 मुझे चाहिए ये लैपटॉप। तो भाई लैपटॉप आपको सब मालूम है, डेल है, HP है, लिनोवो, Asus है, और सबसे भाई गेमिंग में सबसे रफ्तार की ओर पकड़ने वाला सीरीज है MSI। MSI भाई, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं भाई MSI यूज करते हैं। तो कादर भाई आपको बताएंगे कि भाई MSI का क्या कॉन्फ़िगरेशन और क्या प्राइस में दे देंगे भाई, तो क्या भाई, प्राइस में करोगे भाई? MSI का पहले कॉन्फ़िग देख लीजिए आप, प्राइस तो मैं बताऊंगा ही, पर कॉन्फ़िगरेशन में i7 मिल जाएगा, 8GB रैम, 512GB SSD और 4GB ग्राफिक्स के साथ। प्राइस बता दूं क्या भाई? प्राइस बता दूं? बता दो भाई। भाई प्राइस आपको मिल जाएगा 3450 ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं एप्पल मैकबुक के लिए, जो सबसे लेटेस्ट आया हुआ है M2 M1 मैकबुक प्रो। भाई लैपटॉप की बात हो रही है तो एप्पल क्यों पीछे रह जाएगा?
एप्पल तो रेस में है ही सबसे आगे। हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, M1 और M2 दोनों। और जीबी में क्या अपने पास पड़ा हुआ है? जीबी में आपको 256, 512 और 1TB सब कुछ मिल जाएगा। कलर मिल जाएंगे भाई सारे? कलर भी सब मिल जाएंगे आपको, ग्रे, सिल्वर, पिंक, गोल्ड, ग्रेफाइट, सब कलर अवेलेबल है हमारे पास। तो भाई आप सुन रहे हो कादर भाई से, सब कुछ अवेलेबल है। एक बार डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, उस पे मैसेज करो कि कौन सा कलर मैकबुक में कौन सी सीरीज चाहिए। तो भाई आपको क्या चाहिए मैकबुक के अंदर, प्रो, एयर में, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर रहे हैं आपको, बाकी हमारे पास सब चीज़ अवेलेबल मिलेगी। तो भाई जैसे मैंने बताया था आपको, मैं लास्ट में गिफ्ट रिवील करने वाला हूँ, तो जिसने भी अगर आखिरी तक वीडियो देखी है हमारी, उसके लिए मैं लैपटॉप का बैग आपको फ्री देना चाहता हूँ। जो भी आप हमारे यहाँ से लैपटॉप खरीदोगे उसके लिए बैग बिल्कुल। वीडियो अभी तक देखा है तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो जितनी भी प्राइस बताई गई है वो इंक्लूडिंग वेट के साथ है, तो 5% वेट इंक्लूडिंग आ गया है। और हमारे भाई टूरिस्ट वीज़ा पे हो आप तो आपको वेट रिफंड भी हो जाएगा। हम लोग ऑथोराइज है टैक्स फ्री प्लानेट में, तो जो भी टूरिस्ट आता है उसको वेट रिफंड हो जाएगा एयरपोर्ट से, जैसे कि आप देख सकते हो। तो वेट रिफंड आपको हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। तो जो प्राइस बताई गई है उसमें भी आपको वेट रिफंड हो जाएगा। तो भाई वेट रिफंड मिल जाएगा, सब प्राइजेस इंक्लूडिंग वेट है, बैग फ्री है, और तो क्या चाहिए आपको, जल्दी से आ जाओ 7 वंडर्स में। तो भाई हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए दूसरा वीडियो क्या होना चाहिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।